आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय कारागार में अधिकारियों व कैदियों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के दौरान कैदियों ने जमकर भारत माता के जयकारे लगाए। माहौल बहुत ही विस्मरणीय था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्रांतिकारी भारत माता के ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फिल्म बन गई। थाना इंजनगर क्षेत्र में कबाड़े बीनने वाले युवक को साथियों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दो आरोपियों को लिया हिरासत में। मामला थाना इंजनगर के वीर सावरकर नगर का बताया जा रहा है। परमवीर क्या नाम था भाई के आपका और क्या हुआ उनके साथ में? कांता प्रसाद नाम था। हाँ। शाम को अच्छे खाते थे। हाँ। खाना भी खिला के आया और दवाई में दर्द हो रहा था। हाँ। पेट में तो उसकी दवाई ला के दी, उन्हें खाई, फिर वो सो गए। मैंने कहा मैं जाऊँ घर। मैं सुबह 4 बजे गया। हाँ। मुझे वो नहीं मिले थे। मैं एक बंदा वहाँ सो गया था, उससे मैंने पूछा भैया कहाँ गए, तो वो कह रहा शाम को चलेगा, मैं शाम को नहीं जाएंगे। वो तभी हमने ढूंढना चालू करा, नहीं मिले। 6-8 बजे हमें पता चला सौ फटा पे खुशी मंगल के सामने लाश पड़ी थी। क्या करा उनके साथ? उनके साथ क्या करा उन लोगों ने? आश्रय करा, पत्थर उत्थर मारा है सर में, सर से खून बह रहा खूब। जिले में गैंग बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले उत्तराखंड के 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है ये तीनों युवक बहुत ही शातिर किस्म के थे। गिरोह बनाकर ये लोग राहगीरों को लूट लिया करते थे। इनका एक साथी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है। मीडिया वाले बंधु हमारे कह रहे हैं कि किसी ने मीडिया बंधुओं को झंडे नहीं दिए। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है और सर किस तरीके से लूट की घटना पर अंजाम देते हैं? देखिए थाना शाही पर 1822 को और मीरगंज 1722 को, इसी प्रकार नवाबगंज में 1922 को जो लूट की घटना हुई थी, इसमें जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी आज सिहोर पुल थाना बरेली समय लगभग 12:40 के आसपास से हुई है। SOG की टीम और थाना प्रभारी की टीम CO साहब के नेतृत्व में लगी हुई थी और SSP साहब ने इसमें स्पेशल टास्क पे लगाया हुआ था। ये तीनों हमें गिरफ्तारी इनकी की गई है और इनके पास से जेवरात लगभग 1.5 लाख रुपए के और 8,000 के नगद रुपए, साथ ही इनसे अवैध असलाहा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद हुए हैं। और जो 3 मुलजिम पकड़े गए हैं, फहीम और रफीक और बग्गा, ये तीनों ही उत्तराखंड थाना पुलभट्टा के निवासी हैं और इनका एक साथी अभी हमारे जल्दी वही पकड़ में होगा। तो 3 की गिरफ्तारी हुई है और इसमें अलग अलग थानों पे जो लूट की बरामदगी इसमें हुई है, तो बड़ी सफलता है। और इसी क्रम में हमारा जो अभियान आपराधिक रूप से चल रहा है और तेज़ी के साथ चल रहा है, सफलता हमें मिल रही है। सर किस तरीके से उत्तराखंड के रहने वाले थे, यूपी में ये एक तरीके से अंजाम देते थे घटनाओं? देखिए ये एक तरीके से गिरोह था इनका और इन पे सभी के आपराधिक इतिहास थे। यहाँ पर घूम करके और एक दूसरे का सहयोग करके सबके अलग अलग उसमें टास्क बटे हुए थे और प्रोफेशनल तरीके से ये लूट अंजाम करते थे। तो अब हम पुलिस के हत्थे आज ये लगे हैं, बड़ी हमारी टीम को सफलता मिली है और इनका एक साथी जल्दी वो भी हमारी गिरफ्त में होगा।